सो हेलो साथियों, आप भी नवी कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी एनुअल एग्ज़ाम 2024 में शामिल होने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं नवी कक्षा वालों का सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक में दिया गया है कि उत्माशा अंतरीप का खोज किसने किया था। यदि आपसे पूछा जाता कि अमेरिका का खोज किसने किया था तो कोलंबस आंसर हो जाता। यदि पूछा जाता कि भारत की समुद्री मार्ग का खोज या भारत का खोज किसने किया था तो वास्को डी गामा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बार्थोलोमियो डियाज के साथ, क्योंकि उत्माशा अंतरीप का जो खोज करने वाले हैं उनका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ के राजा कौन था। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं कि जब फ्रांस की राज क्रांति हो रही थी तो वहाँ के राजा जो थे वह लुई सुलाहवा थे, और लुई सुलाहवा यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लुई सुलाहवा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। यहाँ पे 4 देश के नाम दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 1917 में जो प्रथम जो विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से लेकर 1918 तक इसका कार्यकाल माना जाता है, तो इसमें सबसे पहले जो अलग होने वाला देश है वह रूस है। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सन 1920 ईस्वी की बात है जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में कहता है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है। देखिए, नाजी पार्टी या हिटलर की राज पार्टी थी जिसका जो चिन्ह बताया गया है वह स्वस्तिक बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि नाजीवादी का प्रवर्तक कौन था, तो देखिए नाजीवाद का जो प्रवर्तक था वो हिटलर था, और इसका जो चुनाव चिन्ह था यानी जो चिन्ह था यह था स्वस्तिक। उसके बाद में कहता है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सन 1865 की बात है जब भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। कहीं कहीं पे इसका जो आंसर है सन 1872 भी माना गया है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब 1865 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन सी अर्थात न्यूयॉर्क। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अमेरिकी संविधान की बात करें तो सन 1789 ईस्वी की बात है जब अमेरिकी संविधान को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। देखिए, सामाजिक संहिता नहीं, विधि की आत्मा, बृहद ज्ञानकोश, दास कैपिटल। यदि आपसे दास कैपिटल पूछा जाता तो राइट आंसर इसका कार्ल मार्क्स हो जाता, लेकिन विधि की जो आत्मा है इसी के लेखक है मॉन्टेस्क्यू, तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, विधि की आत्मा। उसके बाद में कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हो गया था। आप सभी को बता दें कि सन 1939-45 की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध हिटलर के कारण उत्पन्न हो गया था, तो यहाँ पे शुरुआती बात बोला गया है तो राइट आंसर जाएगा 1939 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है संथाल विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि संथाल विद्रोह होता है सन 1855 ईस्वी में, और इसके नेता होते हैं सिद्धू और कान्हू। यदि मुंडा विद्रोह पूछा जाता तो बिरसा मुंडा हो जाता। कुल विद्रोह के भी नेता बिरसा मुंडा जी हैं, जो होता है सन 1831 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट होगा, जिनका नाम FD रूजवेल्ट भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। उसके बाद में कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों, सभी को बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे आगे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5.5 घंटे आगे होगा, यानी क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में कहता है कि किस कारकों में जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो अक्षांश, ऊंचाई, समय, दूरी करता है, लेकिन देशांतर जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अगला सवाल कहता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो वह होती है दोस्तों मौसिन राम मेघालय। यदि मौसिन राम मेघालय नहीं रहता तो चेरापूंजी इसका आंसर हो जाता। उसके बाद में कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और वहीं पे मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस देशांतर को भारत की मानक यमुत्तर रेखा माना गया है, तो ये 82.30 पूर्वी देशांतर को माना गया है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो ये नाम से जानते हैं दोस्तों यमुना नदी। उसके बाद में कहता है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कहता है कांवर झील किस जिला में स्थित है, ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये बेगूसराय जिला में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1972 की बात है जब भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि किस देश में कंगारू नहीं पाए जाते, सॉरी कंगारू पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम है केरल। यदि न्यूनतम साक्षरता बोला जाता तो बिहार हो जाता। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा के नज़दीक है। देखिए दोस्तों विषुवत रेखा की जो नज़दीक की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन 26 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देखिए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हो गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बात करें तो 17 दिसंबर 1971 की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने के उपरांत ये बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद में कहता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ये हुआ था दोस्तों 1960 ईस्वी में। ताशकंद बोला जाता तो 1966 हो जाता। उसके बाद में कहता है कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यमुनोत्री नहीं बल्कि गंगोत्री है, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है, तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन 30 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त कर प्रदान करने वाला देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है आपका न्यूजीलैंड, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वामे एनक्रुमा किस देश से हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ घाना। उसके बाद में कहता है लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो देखिए लोकतंत्र में जो जनता है अर्थात पब्लिक यही शासन करती है। उसके बाद में देख लीजिए कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आइए बता देते हैं भारतीय संविधान सभा के अगर प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो प्रारूप मिलने के कारण राइट आंसर यहाँ पे B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 35 को देख लीजिए। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप सभी को मालूम होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कहता है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ असम में नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1950 में किया गया था। उसके बाद में कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद में कहता है कि कौन से देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, तो आप सभी को बता दें कि मौजूदा संशोधन जो कर सकता है वो कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब प्राप्त किया गया था, तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर जाएगा 2002 के साथ। उसके बाद है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है दोस्तों, तो ये है आपका श्रम अर्थात लेबर।
उसके बाद में कहता है कि पूँजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है। दोस्तों पूँजी का जो परिश्रमिक है यह मजदूरी कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मजदूरी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था, ये दिया था रैगनर नक्स ने। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा नवीं कक्षा के सोशल साइंस एनुअल एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले सोशल साइंस का 45 ऐसा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके नवीं कक्षा के एनुअल एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।